वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ख़राब लैपटॉप की बैटरी से एक रिचार्जेबल 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ख़राब लैपटॉप की बैटरी है जो डेल की है। दोस्तों ये हमारे पास लिथियम कंट्रोलर PCB है, इसे बाय करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। देखिए मैंने परचेज किया था तो कुछ इस तरह से कुरियर में डिलीवर हुआ था। चलिए इसको इनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ PCB के साथ मैंने और भी बहुत से कंपोनेंट और टूल्स मंगाए हैं। देखिए PCB जो बड़ा है 153 का है। सो दोस्तों फाइनली ये हमारा है PCB। इसके हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी। तो ये PCB में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो हमारा है ग्राउंड रहेगा और यहाँ पर 8.4 है, यहाँ पर 4.2 वोल्ट और फाइनली 12.6 वोल्ट यहाँ पे लगेगा और ये दोनों आउटपुट हैं, यहाँ से इनपुट और आउटपुट दोनों हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा PCB हो गया दोस्तों। इससे बेसिकली क्या होता है, जो लिथियम साइड की बैटरी होते हैं उसे चार्ज करने में आसानी होता है और ओवर चार्जिंग से भी बैटरी को हमारे बचाता है। तो देखिए ये लैपटॉप की हमारी ख़राब पड़ी बैटरी है 65 वाट का। तो इसको क्या करते हैं, ये बैटरी को पहले ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली आप इसे थोड़ा सा प्रेशर देकर खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। आप कुछ इस तरह से नुकीला टूल्स ले सकते हैं जिससे खोलने में आसानी हो। देखिए इस तरह से आप आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटरी के जो बॉडी है इसको अलग कर लेते हैं और बैटरी को भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बैटरी और इसके PCB का। तो इसमें दो दो सीरीज में दो दो करके बैटरी जुड़ा होता है। देखिए यहाँ से टोटल 6 बैटरी है और ये दो दो के सीक्वेंस में जुड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज को। देखिए यहाँ पर 3.57 वोल्टेज और दूसरे वाले बैटरी पे भी 3.57 आ रहा है, मतलब ये हमारा बैटरी परफेक्ट है। देखिए ये भी चार्ज है बैटरी। और लास्ट वाले बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, ये भी चार्ज है। इसका मतलब इस बैटरी में जो है PCB इसका ड्रेन हो चुका है, इसी की वजह से ये बैटरी ड्रेन हो गया था। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैटरी को PCB से अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये दो दो के सीक्वेंस में जुड़ा होता है।
दोस्तों फाइनली हो चुका है हमारा बैटरी पीसीबी से अलग। अब क्या करना है, इसे दो दो के सीक्वेंस में जोड़ देना है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जो देखिए दोस्तों 0 वोल्ट है, इसमें ये ग्राउंड वाला पॉइंट को सोल्ड करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो 8.4 वोल्टेज है वहाँ पर अटैच करना है, और यहाँ पर जो है 4.2 वोल्ट, यहाँ पर जो है दोस्तों ग्राउंड वाला जुड़ गया। और उसके बाद 4.2 वोल्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट सोल्ड हो जाएगा, उसके बाद 8.4 वोल्ट पे ये सोल्ड हो जाएगा, और फाइनली लास्ट वाला जो पॉइंट है 12.6 वोल्ट उसको यहाँ पर ये लास्ट वाले पॉइंट को अटैच कर देंगे, और तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा सेट हो गया, कुछ इस तरह से हम बैटरी को सेट किए हुए हैं, प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस में अटैच करके एक सीरीज कम तैयार कर लिए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ बैटरी के वोल्टेज को। तो ये फाइनली जो आएगा टोटल बैटरी 11.2 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है। एक बैटरी का हम लोग चेक करेंगे 3.7 वोल्ट, और दो बैटरी का जोड़ेंगे तो 7 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको जो बड़ा वायर है इसको एक वायर से सोल्ड कर लेते हैं, इसके पॉइंट को कुछ इस तरह के वायर से। देखिए दोस्तों सोल्ड करके कुछ इस तरह से बना लेना है, 4 वायर सोल्ड कर लेना है। अब इसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पीसीबी को सेट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस बैटरी को अच्छे से ग्लू से चिपका लेते हैं ताकि ये आपस में गैप ना हो और हिले डुले ना। देखिए दोस्तों चिपका कर पीसीबी को हम कुछ इस तरह से बना लेंगे ताकि हमारा बैटरी और पीसीबी फिक्स हो जाए और हिले ना। तो अब फाइनली क्या करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं। जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट है, माइनस पॉइंट, उसको ग्राउंड वाले पर 0 वोल्टेज वाले पर सोल्ड कर लेंगे।
अब उसके बाद इसी का दूसरे सीरीज, मतलब जहाँ पर 3.7 वोल्ट आ रहा था, इसको इस वाले 4.2 वोल्ट पे जोड़, 4.2 वोल्ट पे जोड़ सोल्ड कर लेंगे। देखिए सीक्वेंस वाइज जोड़ते जाएंगे ताकि ये हमारा प्रॉपर वर्क करे। अब तीसरे पॉइंट को जो 8.4 वोल्ट की सप्लाई करेगा, उसको भी हम लोग ये वाला जो है वायर, इसको सोल्ड कर लेंगे 8.4 वोल्ट भी जो यहाँ पर है। इसको घुमा कर कुछ इस तरह से कर लेते हैं, प्रॉपर फिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए 8.4 वोल्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा वायर जो है इसे काट कर अलग कर लेते हैं। और इसको सोल्ड करेंगे। अब लास्ट वायर जो है 12 वोल्ट वाला, उसे 12.6 वाले पॉइंट पर जोड़ लेंगे। बेसिकली दोस्तों पीसीबी जो है हमारा चार्जिंग और बैटरी को सेफ रखने में काम देता है। जब हमारा बैटरी ओवर डिस्चार्ज होता है तो ये बैटरी को सेफ रखने का काम करता है और हाई चार्ज से भी बचाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बैटरी को ख़राब होने से बचाता है और सभी बैटरी को प्रॉपर चार्ज भी करता है, किसी को लो और किसी को हाई ना करके एक इक्विवेलेंट चार्ज करता है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा 12.3 वोल्ट की सप्लाई अभी आ रहा है, जब ये चार्ज होगा 12.6 वोल्ट तक आ जाएगा। तो आउटपुट के लिए हम लोग भी कनेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरह से वायर लेकर। दो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी खराब बैटरी को यूज में ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग एक चार्जर क्रिएट करेंगे। जैसे लैपटॉप की बैटरी जो लैपटॉप के चार्जर होता है 19.5 वोल्ट के आसपास सप्लाई करता है, तो इससे डायरेक्ट इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम एक पीसीबी मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, उसके हेल्प से हम इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये बैटरी बनके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।